नमस्कार, मैं ओम प्रकाश तिवारी। आज बात करेंगे गोरखपुर की बाढ़ के बारे में। गोरखपुर इस समय बाढ़ की चपेट में है। 2 लाख से अधिक आबादी इस समय बाढ़ से प्रभावित है। 250 से अधिक गांव बाढ़ के पानी से घिर गए हैं। हालत यह है कि यहाँ के हैंडपम्प यानी नल में पानी निकलता है, बिना चलाए ही पानी निकलने लगा है। बिना चलाए पानी आ रहा है। स्थिति इसलिए हुई है क्योंकि इसी तरह जो है जो ट्यूबवेल हैं, पंप सेट हैं, उनमें भी बिना चलाए ही पानी निकल रहा है। स्थिति इसलिए हुई है क्योंकि शहर के बीचों बीच से बहने वाली राप्ती नदी का पानी खतरे के निशान से करीब 2.5 मीटर ऊपर बह रहा है। इसकी वजह से आसपास के इलाकों में बंधों के उस पार रिसाव हो रहा है। वाटर लेवल इतना ऊपर चला गया है कि नल और ट्यूबवेल से स्वतः ही पानी निकलने लगा है और बंधों पे जबरदस्त दबाव है। जगह जगह बंधों पे रिसाव हो रहा है। हालांकि जिला प्रशासन और सिंचाई विभाग की टीमें सूचना पाते ही रिसाव को बंद करने की कोशिश करती हैं, लेकिन एक जगह बंद किया जाता है तो दूसरी जगह रिसाव होने लगता है और ऐसा लगातार हो रहा है। दरअसल गोरखपुर ज़िले में कुल 6 नदियाँ यहाँ से निकलती हैं। सबसे प्रमुख नदी तो राप्ती है जो उधर रामनगर गोंडा सिद्धार्थनगर होते हुए गोरखपुर आती है और आगे जाके गोरखपुर में ही पटना घाट के पास जो है सरयू नदी में मिल जाती है। तो यह एक प्रमुख नदी है जो शहर के बीचों बीच से भागती है, लेकिन इसका उद्गम जो है वो नेपाल की पहाड़ियां हैं। इसमें नेपाल का पानी आता है। इस समय भी इस नदी में नेपाल में हो रही झमाझम बारिश की वजह से ही पानी आ रहा है और उसी पानी से यह नदी उफनाई हुई है, जिस कारण गोरखपुर में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। इसके अलावा गोरखपुर में नेपाल से निकली महाराजगंज से होते हुए आती है रोहिन नदी। रोहिन नदी भी गोरखपुर में आके राप्ती में मिल जाती है और यह नदी भी खतरे के निशान से काफ़ी ऊपर बह रही है और इसमें भी चूंकि नेपाल में बारिश हो रही है और उस बारिश की वजह से तो इसमें भी काफ़ी पानी आ रहा है। रोहिन नदी गोमिनगढ़ में जाके राप्ती नदी में मिलती है और फिर राप्ती नदी का जो पानी है और बढ़ जाता है। लेकिन जिन इलाकों में रोहिन नदी आती है वहाँ पे भी बाढ़ की काफ़ी बुरी स्थिति है और चूंकि यह नदी महाराजगंज से आती है इसलिए महाराजगंज के भी कई गांव इससे प्रभावित हैं। काफ़ी संख्या में आबादी इसकी चपेट में है। इसके अलावा गोरखपुर में आमी नदी है, इसे बरसाती नदी कहा जाता है और इसका पानी भी इस समय काफ़ी बढ़ा हुआ है और ये राप्ती नदी की एक शाखा बताई जाती है और इसी में से निकलती है, फिर इसी में मिल जाती है। लेकिन जिन इलाकों से ये बहती है उन इलाकों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। इसी तरह कुआनो है जो उधर संत कबीर नगर से आती है, उसमें भी बाढ़ की स्थिति है, हालांकि वो खतरे के निशान से नीचे है। फिर उधर अयोध्या से होते हुए बस्ती संत कबीर नगर होते हुए सरयू नदी आती है जिसे यहाँ घाघरा नदी भी कहा जाता है। उस घाघरा नदी का जलस्तर भी काफ़ी बढ़ा हुआ है और खतरे के निशान से ऊपर है। माना जा रहा है कि घाघरा नदी का जलस्तर जैसे कम होगा तो राप्ती चूंकि घाघरा में जाके मिलती है तो फिर उसका पानी उस घाघरा नदी में काफ़ी तेज़ी से जाएगा
डिस्चार्ज होगा तो इसकी वजह से गोरखपुर में बाढ़ की स्थिति में सुधार हो सकता है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे काफ़ी गंभीर स्थिति बनी हुई है इन नदियों के कारण, खास करके राप्ती, रोहिन, सरयू, कुआनो और गोर्रा। गोर्रा नदी का प्रभाव देवरिया ज़िले में अच्छा खासा देखा जा रहा है। वहाँ पे यह नदी काफ़ी गांवों को अपने चपेट में ले रखा है, क्योंकि खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, इसलिए वहाँ पे भी ये स्थिति है। तो गोरखपुर और बस्ती मंडल के 7 ज़िलों के करीब 800 गांव इस समय बाढ़ से प्रभावित हैं और 6,00,000 से अधिक आबादी इन ज़िलों की बाढ़ की चपेट में है, प्रभावित है। कई गांव पूरी तरह से बाढ़ में डूब गए हैं और हजारों एकड़ फसल बर्बाद हो चुकी है, और या तो पानी में डूब गई है या फिर वो पानी में डूबने के कारण किसी लायक नहीं रह गई है, उसमें उत्पादन की या उपज की कोई उम्मीद नहीं बची है। लेकिन इस समय सबसे विकट इसी तरह सिद्धार्थनगर में राप्ती नदी काफ़ी 2,00,000 से अधिक आबादी को प्रभावित कर रखा है राप्ती नदी ने सिद्धार्थनगर में। वहाँ पे भी काफ़ी स्थिति खराब है, लेकिन गोरखपुर में राप्ती नदी, चूँकि यहाँ गोरखपुर में आके राप्ती नदी घाघरा में मिलती है और घाघरा भी खतरे के निशान से ऊपर है, तो एक तरीके से इस नदी का जलस्तर में ठहराव सा आ गया है, मतलब बहाव नहीं हो पा रहा है। अगर घाघरा नदी का पानी तेज़ी से निकले तो राप्ती नदी का पानी उसमें जाके तेज़ी से समाए तो जो राप्ती नदी का जलस्तर है ये नीचे जा सकता है, क्योंकि घाघरा नदी में भी काफ़ी पानी आ रहा है। घाघरा नदी हालांकि जो है सरयू जिसे कहते हैं, ये अयोध्या और उधर अपने उत्तराखंड के पहाड़ों से निकली हुई है, और चूंकि उत्तराखंड के पहाड़ों में भी इस समय बारिश हो रही है तो उस बारिश का असर ये है कि इस नदी में भी काफ़ी पानी है और ये खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसकी वजह से इसकी सहायक नदियों का जलस्तर डिस्चार्ज नहीं हो पा रहा है, तेज़ी से नहीं निकल पा रहा है, और उनका प्रभाव इन नदियों में ये दिख रहा है कि उनके किनारे बसे लोग इसकी चपेट में आ गए हैं। गोरखपुर में बताया जाता है कि 1998 में राप्ती नदी ऐसी उफनाई थी कि कई जगहों पर बंधे टूट गए थे और उसकी वजह से गांव तो चपेट में आए भी थे, शहर भी चपेट में आ गया था। आज का पास इलाका है तारामंडल इलाका, वहाँ तक पानी भर गया था, और उसके आगे रामगढ़ ताल है जो कि काफ़ी लंबा चौड़ा है और हमेशा पानी से भरा रहता है, वहाँ तक बताते हैं कि पानी पहुँच गया था और काफ़ी तबाही मचाई थी। जिन लोगों ने 1998 की वो बाढ़ देखी है उनके जेहन में इस समय राप्ती नदी का वही रौद्र रूप दिखाई दे रहा है। उनको लग रहा है कि जिस तरह से खतरे के निशान के ऊपर यह नदी बह रही है और इसका पानी नीचे नहीं जा रहा है और लगातार इसका जलस्तर बढ़ रहा है, और ये लगभग 1998 के स्तर को छूने वाला है, तो लोगों को ये आशंका है कि अगर ये उस स्तर को छूता है तो बंधे कई जगह से टूट सकते हैं और तटबंधों के टूटने की वजह से बाढ़ आबादी क्षेत्र में इसका पानी घुसेगा और जिससे काफ़ी संख्या में लोग प्रभावित होंगे। हालांकि अभी भी ये संख्या कम नहीं है कि लगभग 2,50,000 की आबादी इस बाढ़ की चपेट में आई हुई है। इस समय गोरखपुर ज़िले और आसपास के ज़िलों में दूर दूर तक केवल पानी ही पानी दिखाई दे रहा है, अपार जलराशि चारों तरफ फैली हुई है और लोग एक दहशत और भय में जी रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि पता नहीं कब क्या रूप
इस बाढ़ का देखने को मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों।